हेलो वी वर स्टडींग पी बलॉक एलिमेंट्स चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ केमस्ट्री प्रीवियस वीडियोज़ में हमने थर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर तक कर लिया है आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन मैंशन थ्री एरियाज इन विच एच टू एस ओ फोर प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल तो एक तो एच टू एस ओ फोर मैनुफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है नेक्स्ट इज एच टू एस ओ फोर इज यूज इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड नेक्स्ट इज इट इज़ यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स पेंट्स एंड डाई स्टफ इंटरमीडिएट्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द कंडीशंस टू मैक्सीमाइज द ईल्ड ऑफ एच टू एस ओ फोर बाई कॉन्टेक्ट प्रोसेस द की स्टेप्स इन द मैनुफैक्चर ऑफ एच टू एस ओ फोर इज द कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एस ओ टू विद ओ टू टू एस ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ वी टू ओ फाइव देखिए जो एस ओ टू है वो ओ टू के साथ रिएक्ट करता है वी टू ओ फाइव की प्रेजेंस में और एस ओ थ्री प्लस हीट बनाता है ली चटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मैक्सीमाइज द ईल्ड ऑफ एच टू एस ओ फोर ओके देखिए एस प्लस ओ टू एस ओ टू बनेगा एस ओ टू प्लस ओ टू वी टू ओ फाइव की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं एस ओ थ्री और हीट बाहर निकलती है एस ओ थ्री एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करके एच टू एस टू ओ सेवन बनाता है ये ओलियम गैस होती है एच टू एस टू ओ सेवन वाटर के साथ रिएक्ट करके एच टू एस ओ फोर बनाता है तो एच टू एस टू ओ सेवन ओलियम में वाटर ऐड करते जाइए एच टू एस ओ फोर मिलता जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन वाई एज़ के ए टू स्मॉलर है के ए वन से फॉर एच टू एस ओ फोर इन वाटर देखिए के ए वन है फर्स्ट आयनाइजेशन कॉन्सटेंट ऑफ एसिड और के ए टू है सेकेंड आयनाइजेशन कॉन्सटेंट ऑफ एसिड ठीक है बी मतलब बेस और डब्ल्यू मीन्स वाटर देखिए अब देखिए एच टू एस ओ फोर जो है वो वेरी स्ट्रोंग एसिड होता है वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन टू एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड एच एस ओ फोर नेगेटिव ठीक है द आयनाइजेशन ऑफ एच एस ओ फोर टू एच थ्री ओ पॉजिटिव एंड एस ओ फोर टू नेगेटिव इज वेरी वेरी स्मॉल दैट इज़ के ए टू की वैल्यू स्मॉल है और के ए वन की वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू ज़्यादा है देन सेकेंड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड देखिए एच टू एस ओ फोर के ए वन है ये एच एस ओ फोर निगेटिव और एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है एच एस ओ फोर नेगेटिव के ए टू की के ए टू है ये एस ओ फोर टू नेगेटिव प्लस एच पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है देखिए ये के ए क्या है देखिए के सी अगर हम लिखेंगे इसके लिए तो वो हो जाएगा एच एस ओ फोर नेगेटिव एच पॉजिटिव अपॉन एच टू एस ओ फोर के सी इन टू एच टू एस ओ फोर ऊपर लिख गए ठीक है एच एस ओ फोर नीचे ले आए ठीक है और ये एच पॉजिटिव के इक्वल हो गया अब जो के ये है के सी इन टू एच टू एस ओ फोर ये के ए होगा ठीक है ये इक्वल हो जाएगा एच एस ओ फोर नेगेटिव और एच पॉजिटिव के तो के ए जो है वो एच एस ओ फोर निगेटिव और एच पॉजिटिव के इक्वल है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन हैलोजेंस हैव मैक्सिम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थेरेपी विद द रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल हैलोजन कौन से होते हैं जो सेवनटीन ग्रुप के मैंबर होते हैं फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ठीक है हेलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट साइज इन देअ रेस्पेक्टिव पीरियड एंड दे आर फोर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एज अ कॉन्सिक्वेंस दे readily accept one electron to acquire noble gas electronic configuration एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और noble गैस configuration को तक पहुंच जाते हैं ठीक है एटीनथ ग्रुप में ही तो है नोबल गैस और ये हेलोजन होते हैं सेवनटीन्थ ग्रुप के मेम्बर नेक्स्ट देखिए ऑल दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी फ्लोरीन की कम नेगेटिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन फ्लोरिन इज ए स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन क्लोरीन भाई इट इज़ ड्यू टू एक तो लो एंथेलपी ऑफ डिसोसिएशन है एफ एफ बॉन्ड की ठीक है हाई हाइड्रेशन एन्थेलपी है एफ नेगेटिव आयंस की ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरीन एक्जिबिट ओनली माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हैलोजेंस एग्जिबिट प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव एंड प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो एक्सप्लेन फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती है अदर जो हैलोजेंस होते हैं उनमें डी ऑर्बिटल्स है एंड देयर फोर कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट एंड शो प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव एंड प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑल्सो नेक्स्ट गिव टू एग्जाम्पल्स टू शो एनिमल बिहेवियर ऑफ फ्लोरिन फ्लोरिन फॉर्म करता है ओनली वन ऑक्सो ऑक्जो एसिड वाइल अदर जो हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन भी तो हेलोजन ही है ठीक है फ्लोरीन केवल वन ऑक्सो एसिड बनाता है जबकि जो अदर हेलोजन होते हैं वो फॉर्म करते हैं बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स ठीक है हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ए लिक्विड ड्यू टू स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है हाइड्रोजन फ्लोराइड एच एफ के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये लिक्विड होता है अदर हाइड्रोजन के जो होते हैं वो सब गैशियस होते हैं गैसेस होते हैं

क्लोरीन की यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर माइनस वन है और यहाँ पर प्लस फाइव है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से माइनस वन में चेंज हो रही है ठीक है और प्लस फाइव में भी चेंज हो रही है तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ठीक है यही तो होता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जीरो से बड़ी भी हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट और जीरो से छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन गिव द रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सी एल टू सी एल टू ब्लीचिंग एक्शन के रीज़न बताना है क्यों ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सी एल टू इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ठीक है सी एल टू का ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से है ऑक्सीडेशन की वजह से है सी एल टू एच टू ओ के साथ रिएक्ट करके एच सी एल प्लस ओ नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है कलर्ड सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कलर लेस सब्सटेंस बन जाएगा ठीक है कलर्ड सब्सटेंस है कोई भी उसको नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कलर कलरलेस सब्सटेंस हो जाएगा और सी एल टू को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो वो एच सी एल प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है सी एल टू का नेम टू पॉइजनर स्चेज गैसेज विच कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम सी एल टू गैस एक तो फॉस्ट जीन सी ओ सी एल टू ठीक है नेक्स्ट इज टीयर गैस ट्राई नाइट्रोमीथेन नाइट्रोमीथिन सी सी एल थ्री एनओ टू फोस जीन का केमिकल फार्मूला देख लीजिए फोसफीन नहीं है ये वो फी एच थ्री होती है ये फॉस जीन है सी ओ सी एल टू टी आर गैस का केमिकल फॉर्मूला सी एल थ्री एनओ टू ठीक है न्यूज़ में भी आपने कई बार सुना होगा आंसू गैस के बारे में वही टी गैस है ये सी सी एल थ्री एनओ टू ट्राई क्लोरो नाइट्रोमीथिन ठीक है मस्टर्ड गैस सी एल सी एच टू सी एच टू एस सी एच टू सी एच टू सी एल ठीक नेक्स्ट वेन एच सी एल रिएट विथ फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड वाई इट्स रिएक्शन विद आयरन प्रोड्यूस एच टू एफ ठीक है देखिए आयरन की एच सी एल के साथ रिएक्शन करेंगे तो एफ ई सी एल टू बनेगा और एच टू बनेगा एच टू का जो लिब्रेशन होता है वो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ फेरिक्लोराइड एफ ई सी एल थ्री नहीं बनने देता वो टू जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनथेल्पी होती है आईसीएल बॉन्ड में वो कम होती है इसलिए जो आईसीएल है वो मोर देन आई टू ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर Why are the एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 known as noble gases? नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं ग्रुप एटीन के मेंबर्स को द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप एटीन हैव देयर वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड एंड देयर फोर रिएक्ट विद अ फ्यू एलिमेंट्स ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस देयर फोर दे आर नोन एज नोबल गैसेस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन नोबल गैसेज हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट वाई बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है देखिए इंटर मोलिकुलर फोर्स पर ठीक है और ये भी याद रखिए डिस्पर्शन फोर्स जो होते हैं वो वीकेस्ट फोर्स होते हैं नोबल गैसेस बी मोनो हैव नो इंटरअटो एक्सेप्ट वीक एंड दे आर लिक्विफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर हैंस दे हैव दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू डज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्स ई एफ सिक्स लेट टू अडोक्स रिएक्शन नो द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर एक्स ई ओ एफ फोर एक्स ई O2F2 where the oxidation states of all the elements remains the same as it was in the reacting state next question number 53 why is helium used in diving apparatus helium is used in diving apparatus because it, of its very low solubility in blood ब्लड में हीलियम की सोलिबिलिटी बहुत कम है इसीलिए उसको डाइविंग अपराटिस की तरह यूज करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर बैलेंस देशन एक्स ई एफ सिक्स एच टू ओ एक्स ई ओ टू एफ टू एच एफ इसको तो आप बैलेंस कर ही सकते हो यहाँ पर बस एच फोर है यहाँ पर एच देखिए टू है और यहाँ पर एच वन है तो इसको तो डबल कर लीजिए इसको टू टू जो फोर अब फोर होगा यहाँ पर ठीक है बाकी सब बैलेंस है वाई ज इट बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन रेडॉन की रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ठीक है उसकी हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है सेवन सेकेंड की हाफ़ लाइफ है रेडॉन की विच मेक्स द स्टडी ऑफ कैमिस्ट्री ऑफ रेडॉन डिफिकल्ट वाइड इज द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फॉस्फोरस नाइट्रोजन हैज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू नाइट्रोजन एटम्स ड्यू टू विच it has very high bond dissociation energy this it is very unreactive on the other hand phosphorus forms karta hai single bond and is more reactive in comparison to nitrogen next question why does nh3 forms hydrogen bonds but ph3 does not form hydrogen bond answer number 57 because of high electronegativity and a small size ऑफ नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन द अदर हैंड फॉस्फोरस के पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फॉस्फोरस की लार्ज साइज होता है उसका एंड हैंड्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड हाउ इज़ नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन बॉन्ड लेबोरेट्री में नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो नाइट्रोजन लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं बाई ट्रीटिंग एंड एक्वास सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम नाइट्राइड एन एच फोर सी एल अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्राइड एन ए एन ओ थ्री दोनों को रिएक्ट करेंगे एन टू प्लस एच टू ओ प्लस एन ए सी एल बन जाएगा ठीक है स्मॉल अमाउंट में एन ओ एंड एच एन ओ थ्री आर ऑल्सो फाउंड इन द रिएक्शन दीज इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव बाई पासिंग द गैस थ्रू एक्वा सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाईक्रोमेट के टू सी आर टू ओके ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन से स्टार्ट करेंगे okay on this channel we will provide you best content of pcb if my videos are helpful for you then please subscribe this channel learning point thank you